देखो स्टूडेंट, अब इसका नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स बताए। अब देखो एक चीज में बता रही हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम क्या? क्रोमोसोम की संरचना। देखो क्रोमोसोम जो होता है गुणसूत्र में विभिन्न भाग होते हैं। सबसे पहले होता है क्रोमिनेटा। ठीक है, तो जो क्रोमिनेटा होता है ये गुणसूत्र का बना होता है, सूत्रों के क्रोमिनेट या एक कवच क्रोमिना से बना हुआ होता है। ठीक है, क्रोमिनेटा ये देखो संरचना है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? क्रोमिनल थ्रेड जो होते हैं, एक क्रोमिनल थ्रेड या धागे के समान मैट्रिक्स का बना हुआ होता है। ये पेल्टिल से ढका हुआ होता है, थ्रेड में धागा होता है, धागे से निकलना और ये पेल्टिल से ढका हुआ रहता है। ठीक है, पेल्टिल की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सुरक्षित नहीं किया जा सकता। क्रोमेटिन गुणसूत्र जो होता है दो प्रकार का होता है, पैरोनिक कुंडल और प्लैटोनिक कुंडल। दो प्रकार का पैरोनिक और प्लैटोनिक दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं? क्रोमेटिन जो पाया जाता है, क्रोमिनेटा जो पाया जाता है वो पाया जाता है। तो क्रोमिनेटा क्या कहलाता है? एक कवच क्रोमेनिन जो होता है क्रोमिनेटा के चारों मैट्रिक्स से ढका हुआ होता है, ये पतले धागे थ्रेड के समान रचना होती है। दूसरा होता है क्रोमिटेड या अर्धसूत्रण। दूसरा होता है क्रोमिटेड। क्रोमिटेड मतलब होता है अर्धसूत्रण। अर्ध गुणसूत्र का मतलब सूत्री विभाजन की मध्य अवस्था में दो भागों में इसे बांटा जाता है जो दिखाई देता है। इसे अर्ध गुणसूत्रण की रचना आप देखो, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये इसी को बना के रखा हुआ है। आप देख रहे होंगे कि ये अर्ध गुणसूत्रों की संरचना कहलाती है, जिसमें ये क्रोमिटेड पाया जाता है, सेंट्रोमियर पाया जा रहा है, देखिए भाग ये क्रोमोसोम की रचना है और क्रोमिटेड पाया जाता है। अब देखो अर्ध गुणसूत्रण में गुणसूत्र लंबाई में दो भागों में बटता हुआ दिखाई दे रहा है, दो भागों में लंबाई में दो भागों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अर्ध गुणसूत्रण। ठीक है, साथ ही इसमें क्या अर्ध क्रोमिटेड कहते हैं? देखो प्रत्येक भाग को क्रोमिटेड कहते हैं। गुणसूत्रों की एनाफेज अवस्था में केवल ये अर्ध गुणसूत्र का बनता है। याद रखना केवल जो एनाफेज स्टेज होती है तब हमें क्रोमिटेड या अर्ध गुणसूत्रण की अवस्था दिखाई देती है। ये मैं स्ट्रक्चर में भी आपको समझ में आ रही। फिर होता है क्रोमोमियर्स। तीसरा होता है क्रोमोमियर्स। देखो क्रोमोमियर्स क्या कहलाते हैं? प्रथम जब अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था होती है तब क्रोमोमियर्स होते हैं। क्रोमोमियर्स क्या कहलाते हैं? प्रथम प्रोफेज अवस्था में क्रोमेटिन पर कणों जैसी रचना। कण क्या कहलाते हैं? जैसे ये भी छोटे छोटे कणों जैसी रचना, क्रोमेटिन या भागों में कणों जैसी रचना जो दिखाई देने लगती है उसे क्रोमोमियर्स कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद सेंट्रोमियर अथवा प्राथमिक संक्रीड़न। अब देखो सेंट्रोमियर देखो ये बीच में जो सेंटर वाला भाग है ये है सेंट्रोमियर। तो जो सेंट्रोमियर जो होता है, सेंट्रोमियर सूत्री विभाजन की मेटाफेज अवस्था में एक संकीर्ण होता है जो प्राथमिक संकीर्णन कहलाता है। जो दूसरा संकीर्ण होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी संकीर्णन कहते हैं या सेकेंडरी सेंट्रोमियर कहते हैं। तो आप देखोगे कि ये निम्नलिखित भाग इसमें दिखाई देते हैं। टीलोसेंट्रोम। टीलोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र का एक छोर सिर पर पाया जाता है और गुणसूत्र एनाफेज क्षण के आकार का दिखाई देता है, इसे टीलोसेंट्रोम। ये देखो ऐसे इसमें एक भुजा की अत्यंत छोटी सी नर। दूसरा एक्रोसेंट्रिक। देखो एक्रोसेंट्रिक का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखो ये है, ठीक है, इसके ऊपर एक छोटी सी आर्म, छोटी सी भुजा निकल आती है, इधर पे छोटी सी भुजा है, ये देखो ये क्या हो गया? एक्रोसेंट्रिक हो गया। मतलब उसके एक सिरे पर छोटी सी एक भुजा आ जाती है, इसको क्या कहते हैं? एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। जिसमें गुणसूत्र की एक अत्यंत छोटी होता है, गुणसूत्र एनाफेज क्षण में पाया दिखाई, कौन सी अवस्था में दिखाई देगा? एनाफेज अवस्था में दिखाई। टीलोसेंट्रिक क्या कहलाता है? क्षण की समान रचना होती है। दूसरा हो गया एक्रोसेंट्रिक, जिसमें एक छोटी सी आर्म निकलती है जो कि एनाफेज अवस्था में दिखाई देती है। आपको समझ में आ रहा हो? जी, किसके लिए बता रही हूँ मैं? जो सेंट्रोमियर जो होता है प्राथमिक संकीर्ण में जो जो अवस्थाएं दिखाई देती है। तीसरा हो गया सब मेटासेंट्रिक। अब देखो सब मेटासेंट्रिक का मतलब क्या हो गया कि एल आकार की संरचना बन जाती है। सब मेटासेंट्रिक मींस मान लो ये देखो ऐसा है, ये ऐसी संरचना हो जाएगी, ऐसी संरचना बन गई। तो ये कैसे दिखाई दे रही है? जैसा एल के समान रचना दिखाई दे रही है। तो ये एल, ये कौन सी हो गई संरचना? ये हो गई आपकी सब मेटासेंट्रिक अवस्था। मेटासेंट्रिक अवस्था क्या होती है? जो केवल बीच में दिखाई दे, बी के आकार, जैसे मान लो ये है,
ये संरचना क्या हो गई बेटा कहती है जब भी कहना दिखाई देने लगी तो ये हो गई मेटासेंट्रिक अवस्था कहला गई। मेटासेंट्रिक अवस्था जो होती है इसमें निम्न प्रकार के भाग होते हैं एमेस्ट्रिक मोनोसेंट्रिक डायसेंट्रिक पॉलीसेंट्रिक होती है। तो ये जो हमने बताया अभी आपको सेंट्रोमियर कौन सा सेंट्रोमियर जब प्राथमिक संकीर्णन होता है तो प्राथमिक संकीर्णन में कौन कौन सी अवस्था दिखाई देती है क्रोमोसोम में अर्धगुणसूत्रण जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं दूसरी क्रोमोमियर दिखाई देती है तीसरी क्या दिखाई देती है टीलोसेंट्रिक होती है एक्रोसेंट्रिक होती है और सबसेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। तो जो सेंट्रोमियर जो होता है सेंट्रोमियर में एक दो तीन चार अवस्थाएं जो दिखाई देती है ये जब क्रोमोसोम में प्राथमिक संकीर्णन पाया जाता है प्राथमिक फोल्ड इस तरह का सेंट्रोमियर प्राथमिक वाला बनता है तब हमें चार अवस्थाएं मिलती है टीलो एक्रो पंप एक्रो और मेटासेंट्रिक। इसके बाद होता है सेकेंडरी संकीर्णन जो मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रही हूँ।